जबान से एक बार भी नहीं कहा कि मैं राजपूतों का विरोध कर रहा हूँ। अरे उसने नहीं कहा, हमें तो दिखाई दे रहा। हाँ। जब हम सो रहे थे अब हम जाग गए। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्हें पीछा करते जा रहे, दुनिया को आगे करते जा रहे। ठाकुर समाज का कहीं नाम नहीं है। आज तो जब मुगलों का समर्थन करा, जब मुगल रहे यहाँ। अच्छा, और अब हम अपने सक्षम है कि अब हम अपना शासन करेंगे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। सीधा यहाँ पर बात करेंगे लोटे में नमक का आखिरकार मतलब क्या है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो राजनीति जो है वो चरम पर आ चुके। लोकसभा चुनावों में ज्यादा समय नहीं है, मेरठ में मौजूद है और यहाँ पर 19 तारीख को पहला चरण है लोकसभा चुनावों का। तो साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर राजपूतों का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब पूरी तरीके से विपक्ष को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भाजपा को नुकसान है। तो सीधा यहाँ पर हमें बस दिखाई दी, तमाम लोग है, बुजुर्ग है, सीधा यहाँ पर जनता से बात करेंगे कि आखिरकार किसको समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं आपको दिखा भी दूं कि कुछ लोग इधर भी मौजूद है, कुछ लोग इधर भी हैं। तो सीधा चलिए बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो लोटे में नमक की बात की जा रही है उसका क्या मतलब है। तो सर क्या मतलब है लोटे में नमक की जो बात है? आदरणीय योगी जी, यहाँ एक खेड़ा गाँव है, इसमें ठाकुर समाज की एक पंचायत हुई और मेरा गाँव धोड़ ब्लॉक खतौली जिला मुजफ्फरनगर राम कुमार चौहान। सबसे बड़ा इस समाज में जिस किसान के पास 10 बीघा जमीन है पूरा का पूरा खेत खाली हो गया, पशुओं ने चूक दिया, कोई पशुओं की देखभाल नहीं है। मैंने खुद एक गाय बीमार हुई उसके लिए 10 जो है फोन करे, लखनऊ भी करा, ब्लॉक में भी करा, खतौली भी करा, मैंने उसका खुद इलाज करवाया 10 आदमी से मिलकर। तब वो गाय एक्सपायर होगी तब उसे उठाने के लिए आए है जी। और मुजफ्फरनगर जिला दिल्ली से कम भी 150-200 किलोमीटर दूर है, वो भी NCR में कर दिया जिला मुजफ्फरनगर भी खतौली। रोजगार लोगों का खत्म है जी। समाज जनता वो चीज़ है जिसे चाहे उसे लगा दे, जिसे चाहे उसे उलाट दे। भाजपा के इसीलिए विधानसभा क्षेत्र में विक्रम सैनी उठा था, जनता ने उसे उतार दिया, फिर भी उन्होंने उसी बात को रिपीट करा, संजीव बालियान को फिर टिकट दे दिया, जबकि पहले विधानसभा में हार गए, लोकसभा में फिर चुनाव दे दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्हें पीछा करते जा रहे, दुनिया को आगे करते जा रहे। ठाकुर समाज का कहीं नाम नहीं है, इसलिए हमने सभी ने बहुमत अपना दिखाने के लिए एक लोटे में नमक दिया। ये पुरानी प्रथा है, जो लोटे में नमक डालता है वो एक संगठित है, ठाकुर एक समाज है। आपने जगह जगह जाटों की रैली हो रही, सैनियों की रैली हो रही, कल विधानसभा हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे, नायब तहसीलदार जी नायब सिंह मुख्यमंत्री थे मुजफ्फरनगर के। ये सब अपना जो है एक वो दिखा रहे, एक लोकसभा चुनाव से उठे धारा सिंह जी, उन्होंने क्या नाम लिख दिया प्रजापति, उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड अलग कायम कर दिया। वो धीमरों से कुम्हारों से वोट मांग रहे, उन्हें तो एक ही समाज चाहिए। तो जनता एक दो ही नारे हैं, एक नर और एक नारी, ये समाज को बदल भी देते हैं और समाज से पलट भी देते हैं और समाज को बना भी देते हैं। तो इस बार जो लोटे में नमक की जो बात हो रही है तो उसमें ये मतलब है कि जनता का समर्थन एक तरफ जाता हुआ नजर आएगा, ठाकुरों का समर्थन एक तरफ जा रहा है, उसमें ब्राह्मण भाजपा की तरफ नहीं जाएगा तो कहा जाएगा बस किसी को जितावे, ये हरिंदर मलिक को जितावे, धारा सिंह को जितावे या दूसरों को जितावे, बहुजन समाज को जितावे, सपा को जितावे, लेकिन भाजपा से कट रहे लोग। जो खबरें सामने आ रही है उस हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि राजपूत समाज यहाँ पर मलिक जी की तरफ ही जाता नजर आएगा। राजपूत समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी था, त्यागी समाज भी था, मुंडन समाज भी था, 36 बिरादरी की बात, बिरादरी यहाँ अकेली है राजपूतों की। हाँ। तो थी नहीं, राजपूतों का तो नाम धर के इन्होंने महापंचायत करी हमने खेड़ा गाँव में जी। तो मतलब विपक्ष जो है तो उसकी तरफ जाता नजर, विपक्ष जो है दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ जाता नजर आएगा। चलिए यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार 36 बिरादरी की बात यहाँ पर साफ तौर पे की जा रही है, लोटे में नमक की बात हो रही है। सीधा जवाब, सीधा सवाल है, उनसे तो बात कर ही लेंगे, आप बताइए लोटे में नमक डालेंगे या नहीं, आप भी बता दीजिए। डाल दिया लोटे में नमक, डाल दिया। कैसे डाला, थोड़ा खिसक जाइए उधर, बता दीजिए। नहीं, लोटे में नमक डाल दिया। कैसे डाला? लोटे में डाला है, लोटे में डाला है। तो विपक्ष की तरफ जा रहे हैं अंकल जी, आप कहाँ जा रहे हैं? विपक्ष की तरफ जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ कह रहे हैं, हरिंदर मलिक की तरफ, ऐसा सुनाई दे रहा है। हरिंदर मलिक को, हरिंदर मलिक को मतलब विपक्ष की तरफ।
ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं? पहले तो भाजपा कर रहा था पूरा समाज, पहले भाजपा कर रहा था, अब भाजपा विरोध कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक तो बीजेपी ने सबके टिकट काट दिया, सबसे ज्यादा विरोध तो ये है बीजेपी ने, ठाकरे समाज का टिकट काट दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब राजपूतों को मोदी जी पहले बहुत पसंद थे, अब मोदी जी से नफरत हो गई है, मोदी से ज्यादा अमित शाह से, ऐसा क्यों? अपनी चला रहा है ना अमित शाह, अमित शाह तो बेड़ा पार कर रहे हैं भारत देश का, वो राजपूतों का बेड़ा गर्क कर रहा है इस टाइम पे, कैसे बेड़ा गर्क, देश का बेड़ा गर्क कर दिया अमित शाह ने, क्योंकि उसे तो इतना ही ज्ञान नहीं किसका विरोध है किसका नहीं है, क्षेत्रीय मतलब उनसे वो ना तो कुछ खबर लेता, बालियान का शुरू से विरोध है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से उसने कुछ भी सलाह नहीं करी, ना मुख्यमंत्री से पूछा ना किससे पूछा, टिकट दे रहा तो हारना तो है ही है। तो उन्होंने अपने ही जबान से एक बार भी नहीं कहा कि मैं राजपूतों का विरोध कर रहा हूँ? अभी उसने नहीं कहा, हमें तो दिखाई दे रहा, जब हम सो रहे थे अब हम जाग गए, तो अब जब हम जाग गए तो अब तो सब कुछ देखेंगे हम, कहाँ हमारे तरफ क्या है। कहते हैं भाजपा की तरफ से ऐसा सुनाई दे रहा है, कह रहे हैं कि मुगलों के समय पर राजपूतों ने मुगलों का समर्थन किया था। हाँ तो जब मुगलों का समर्थन करा, जब मुगल रहे यहाँ, अच्छा और अब हम अपने सक्षम है कि अब हम अपना शासन करेंगे, जब हम इतने सक्षम तो हम है कि जो हम इनसे शासन छीन सके, इतने सक्षम है हम, जब हम लगेंगे हमारे साथ और भी लगेंगे, जो हमारे खेतों में काम कर रहे हैं, हमारी फसलों को लूट रहे हैं, या हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ ही तो रहेंगे, आपके देखो ये कौन इनके साथ जाएगा, आप बताइए थोड़ा सा, जाति जो है इनसे खत्म होली, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए, रुके रुके रुके, थोड़ा सा आप जनता को बता दीजिए लोटे में नमक की असलियत क्या है? असलियत तो यही है कि उसमें जो है संगठित हो गया, लोटे में नमक डालने का मतलब जो हो कि हम सारे जाति जो है हम संगठित हो गए, हम जो है इसके विपक्ष में वोट देंगे भाजपा के, हाँ जहाँ जहाँ भी मतलब भाजपा के कैंडिडेट को हराने का काम करेंगे, मतलब राजपूतों ने ऐसा ठान लिया 36 बिरादरी के, मतलब हम जो है हम भाजपा के कैंडिडेटों को हराने का काम करेंगे, भाजपा ने भी ठाना है अब की बार 400 पार करके रहेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ छोड़ेंगे, अब तो 400 हार करके दिखाओगे आपका, हम इन्हें पूरे देश में 400 हार करके दिखाओगे, इनकी 100-125 सीट निकलेंगी, इल्जाम लगाते हैं कहते ईवीएम है तो मुमकिन है, ईवीएम है तो मुमकिन है, कैसे कर लेंगे ईवीएम? वो आप कहते जब वोट हम देंगे, जब हम कुल की कुल वोट जाएंगी गाँव में धड़े धड़े जाएंगे हर जगह से, तो फिर कहां से जीत जाएंगे?